ऐसे सूझ के आपको क्लास है ना कि आप इसको स्कूल कॉलेज जा सकते हैं अगर एक आप अच्छे व्हाइट स्नेकर्स की क्लास में। और ये मुझे 327 रुपए में रिसीव हो गया था। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ गाइस, आज मैं हॉल करने वाला हूँ मीशो के शूज हॉल का। आप चाहते हैं कि मीशो कैसे अच्छे अच्छे शूज मैं आपने इस वीडियो पे लेके आऊँ, तो आज का वीडियो टोटली मीशो के शूज हॉल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इन द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने में जस्ट मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि हम एज फैशन ग्रूमिंग लाइफ स्टाइल से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज में लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला शूज है वो आप देख सकते हैं, कुछ नॉर्मल पैकेजिंग है जो बिल्कुल भी लोकल पैकेजिंग, यहाँ पे कोई भी साइज और कोई भी लिखा पढ़ा टाइप का भी मेंशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बॉक्स है जो इसे काफ़ी लोकल दिखाता है। इसके बाद ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ब्लैक एंड वाइट कलर का स्लिप ऑन है। जी हाँ गाइस, काफ़ी ट्रेंडी स्नेकर से आपके टाइम पे, तो आप देख सकते हैं कुछ ब्लैक कलर की डिटेलिंग पे आपको मिल जाता है। व्हाइट कलर का सोल इस ब्लैक कलर को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और काफ़ी आई कैचिंग बना रहा है। इसके सोल पे आपको टेक्सचर्ड फिनिश देखने को मिल जाता है और बैक साइड पे आपको एक हुक काइंड डिटेलिंग देखने को मिल जाता है जो इसे थोड़ा स्पोर्टी काइंड ऑफ लुक देता है। यह एक स्पोर्टी स्लिप ऑन स्नेकर्स है। जी हाँ गाइज, और मैं बात करूँ अब इसके मटेरियल की, तो अपर मटेरियल काफ़ी अच्छा है, मीडियम क्वालिटी है इसके अपर मटेरियल की। इन्होंने जो भी क्लोथिंग मटेरियल का यूज़ किया है, अच्छे क्लोथिंग मटेरियल का यूज़ किया है, बहुत ही सस्ता क्वालिटी इन्होंने यूज़ नहीं किया है। बट मैं बात करूँ यहाँ पे इसके इलास्टिक मटेरियल की, तो ये काफ़ी हल्के इलास्टिक मटेरियल का यूज़ किया है। जब हम इसे वेयर करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं ये इतने अच्छे से हमारे पैरों पे ग्रिप नहीं बना पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल इन्होंने कम यूज़ किया है। इसके बाद मैं बात करूँ इसके इनर सोल की, तो आप देख सकते हैं कुछ ये डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। इनर सोल पे आपको कोई भी कुशनिंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है, नॉर्मल इन्होंने अंदर के सोल का यूज़ किया है। जब इसे आप बहुत देर तक कैरी करते हैं तो आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकता है। इनर सोल के बाद मैं बात करूं इसके आउटर सोल की, काफ़ी हार्ड आउटर सोल का इन्होंने यूज़ किया है, पर सोल क्वालिटी ठीक है और यह जिस प्राइस रेंज पर रिसीव हो रहा है उस प्राइस रेंज हिसाब की इसकी क्वालिटी ठीक है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी क्वालिटी है। मीशो की क्वालिटी तो आप जो बताइए, लोकल शूज़ ही आपको अवेलेबल कराते हैं, जो लोकल आपको मार्केट पर देखने को मिलते हैं वही शूज़ है ये आपको अवेलेबल कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने नॉर्मल पेन से इसके साइज को मेंशन किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि एक लोकल शूज ही है। इसके बाद मैं बात करूं इसके प्राइस की, जिसका वेट काफी देर से कर रहे हैं, मुझे 399 रुपए में रिसीव हो गया था। आपको यह इतने प्राइस रेंज में ही रिसीव हो जाएगा, टाइम टाइम पे बहुत ज्यादा सेल चलते रहते हैं और इसी रेंज पे यह आपको अवेलेबल हो जाएगा। जी हां गाइस, हमारी लिस्ट का जो सेकंड शूज है आप देख सकते हैं, फिर वैसे ही नॉर्मल पैकेजिंग पे आपको मिल जाता है। इसे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का स्पोर्टी काइंड ऑफ व्हाइट स्नेकर्स है। व्हाइट स्नेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है काफ़ी सालों से और लगातार इसका ट्रेंड बना हुआ है, पर एक स्पोर्टी व्हाइट स्नेकर्स बाय करने के पीछे मेरा एक ही रीज़न था, कुछ मेरे जैसे बंदे हैं ना जिसे स्ट्रीट स्टाइल लुक कैरी करना होता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करें इसके क्वालिटी की, तो इन्होंने जो अपर मटेरियल पे क्वालिटी का यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा सिंथेटिक लेदर का इन्होंने यूज़ किया है, क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं करती है। अच्छे मटेरियल का इन्होंने यूज़ किया है, काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल है और काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। इसके लेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और प्योर व्हाइट कलर का लेस इन्होंने यूज किया है, तो क्वालिटी के मामले में इन्होंने नो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुशनिंग मटेरियल देखने को मिल जाएगा, पर इसके जस्ट नीचे इन्होंने कोई भी कुशनिंग पार्ट ऐड नहीं किया है जो थोड़ा सा इसे हार्ड बना देता है, तो लॉन्ग टर्म पे यह थोड़ी सी डिसअपॉइंट करेगी आपको। अब इसके बाद इनर सोल के मटेरियल पे भी आपको कोई भी कुशनिंग देखने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी ठीक है कि पहनने के बाद कंफर्टेबल है, मैंने इसे वेयर किया है आप देख भी सकते हैं, पहनने के बाद आपको इरिटेट नहीं करेगा और ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं। कोई लोकल शूज़ आपने कैरी किया है तो इस मामले में काफी अच्छा है ये शूज। और इसके बाद अगेन देख सकते हैं इन्होंने काफी स्पोर्टी काइंड ऑफ फिनिश देने के लिए यहाँ पे कुछ टेक्सचर्ड फिनिश दिया हुआ है जिसे थोड़ा बाउंसी शूज बनाता है। इसका सोल काफी उभरा उभरा हुआ आपको देखने को मिल जाता है और बैक साइड से कुछ इस टाइप का दिखता है, अगेन यहाँ पे हुक पैटर्न देखने को मिलता है जो इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। काफी अच्छा शूज है और इसका आउटर सोल भी काफी अच्छा है, अगेन इन्होंने साइज को अच्छे से मेंशन किया हुआ है जो इसे लोकल बिल्कुल भी नहीं बनाता है। तो इस शूज़ की मैं बात करूँ ओवरऑल, तो जिस प्राइस रेंज पे ये मुझे रिसीव हुआ है उस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा शूज़ है। अगर एक आप अच्छे व्हाइट स्नेकर्स की तलाश में है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस शूज, यह आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं करने वाला है। बात करें इसके प्राइस रेंज की, तो 512 रुपये में मुझे रिसीव हो गया था। सारे शूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको तो पता ही यार कि मैं यहाँ कोई भी पैड प्रमोशन नहीं करता, मैं यहाँ जेन्युइन रिव्यू देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यार दोस्त यहाँ जेन्युइन रिव्यू देखने के लिए ही आते हैं, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे रिव्यूज यहाँ देखने को मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें अपनी लिस्ट के थर्ड शूज़ की, तो आप देख सकते हैं वाइट कलर का या कुछ नॉर्मल, फिर अगेन वैसी पैकेजिंग, लोकल काइंड ऑफ पैकेजिंग मिल जाती है। ओपन करने के बाद ये कुछ रेड और ब्लैक टेक्सचर्ड फिनिश पे आप
आपको स्लिप ऑन देखने को मिल जाता है, कुछ इस टाइप का यह शूज है। इसके अपर मटेरियल की मैं बात करूं यार तो इसका अपर मटेरियल काफ़ी अच्छा है, पर फिर भी यहाँ पे काफ़ी टाइट हार्ड इन्होंने अपर मटेरियल का यूज़ किया है, जो मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद इसमें ब्रेकआउट होने शुरू हो जाएंगे, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड करता है। अगर ये यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ करते तो काफ़ी अच्छा हो जाता, वह हमें पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल फील होता और ड्यूरेबल भी होने वाला था। फिर अगेन यहाँ पे हुक पैटर्न देखने को मिलेगा, थोड़ी सी स्पोर्टी काइंड ऑफ इसे लुक देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ब्लैक टेक्सचर्ड फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा, जो स्टिचिंग इन्होंने की है काफ़ी अच्छी स्टिचिंग है। बात करें जो अपर और सोल के बीच की असेंबलिंग पार्ट है, वहाँ पे इन्होंने जो गम का यूज़ किया है वो काफ़ी लोकल गम है। मुझे तो लगता है ये कुछ टाइम के बाद यहीं से निकलना स्टार्ट होगा, या मुझे थोड़ा लोकल फील हो रहा है, इस शूज थोड़ी डिसअपॉइंटेड करती है मुझे। अब इसके बाद मैं बात करूँ इसके अंदर के सोल की, इनर सोल मटेरियल नॉर्मल सोल मटेरियल है, कोई भी कुशनिंग पार्ट्स में अगेन आपको नहीं मिलता है, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा आपको। और इन्होंने जो सोल का यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का सोल है, काफ़ी हार्ड आउटर सोल इन्होंने यूज़ किया है। पर आउटर सोल तो फिर भी ठीक है, पर इनर सोल पे थोड़ी सी कुशनिंग वगैरह दे देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता। और साइड पे जो यहाँ पे सॉक्स मटेरियल की मैं बात करूँ, जो पैरों के साथ आपके ग्रिप बनाता है, वहाँ पे भी इन्होंने जो इलास्टिक मटेरियल का यूज़ किया, लोकल इलास्टिक का यूज़ किया है। और यह मुझे 327 रुपये में रिसीव हो गया था, काफ़ी अफोर्डेबल रेंज पे आपको डेली यूज़ के लिए शूज़ अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अगर ऐसे शूज़ की आपको तलाश है ना कि आप इसको स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, मेरे जैसे बंदे या टीनेज के बंदे जिन्हें अलग अलग स्ट्रीट आउटफिट कैरी करना है या अपने शूज़ पे वेरिएशन लाना है, तो आप डेफिनेटली इस शूज़ की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी कम रेंज पे आपको ये शूज़ मिल जाते हैं। अब हम अगेन इसके बाद बात करेंगे इसके और शूज़ की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का पैकेजिंग, इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, तो लोकल यह बिल्कुल भी पैकेजिंग नहीं है। साइज़ वगैरह मेंशन है, प्राइस वगैरह मेंशन है और MFG डेट मेंशन है, मतलब थोड़ी सी अच्छी पैकेजिंग का इन्होंने यूज़ किया है। तो ये चीज़ें मुझे ये शूज़ की पसंद आई। इसे ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यह स्लिप ऑन है, यह एक स्पोर्टी काइंड ऑफ स्लिप ऑन है। यहाँ पर आपको लेस देखने को मिल जाएगा, जो एक केवल सोल ऐसा है, इनका कोई यूज़ नहीं है। पर यहाँ पे जो ये फिनिशिंग दी गई है, इन्होंने जो ये लेस मटेरियल का यूज़ किया है वो इसे थोड़ा सा एलिगेंट बनाने की कोशिश की गई है, इसको अच्छे एक फिनिशिंग देने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं यह ग्रे और ब्लू कलर की डिटेलिंग पे आपको एक पूरा शूज़ देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा शूज़ है। और यहाँ पे आपको अगेन येलो कलर की डिटेलिंग दोनों साइड देखने को मिल जाती है, जो इनके दोनों कलर कॉम्बिनेशन को पॉप आउट करने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करूँ मैं इसके मटेरियल की, तो अपर मटेरियल जो इन्होंने क्लोथिंग मटेरियल का यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। दोनों शूज़ जो मैंने पहले स्लिप ऑन दिखाए उससे काफ़ी अच्छा मटेरियल का इन्होंने यूज़ किया है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, पहनने के बाद बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा, काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगेन इसके में यहाँ की इलास्टिक मटेरियल की बात करूँ, काफ़ी अच्छा इलास्टिक मटेरियल है, मतलब ग्रिप बनाने की कोशिश करेगा, लॉन्ग टर्म पर आप इसे यूज़ करेंगे ना तो वहाँ भी यह आपको इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं देगा। जो शू वाइट आपके पैरों पे हो जाता है वो भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैंने इसे कैरी किया है तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसके इनर सोल की बात करूँ तो कुछ इस कलर का इनर सोल मिल जाता है और सॉफ्ट भी है, मतलब ये पहला शूज़ मुझे देखने को मिला जिसका इनर सोल सॉफ्ट है। इनर सोल ही मेन मटेरियल होता है शूज़ का, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसकी साइज़ अगेन 7 नंबर है, जो मेरा रेगुलर साइज़ है, आप इसी साइज़ पे जा सकते हैं, जो आपका रेगुलर साइज़ है, साइज़ बिल्कुल फिट आता है। इसके बाद आउटर सोल की बात मैं करूँ यार, तो ये वाइट कलर का कुछ टेक्सचर्ड फिनिश पे आपको देखने को मिला, काफ़ी अच्छा आउटर सोल है, काफ़ी हार्ड मटेरियल का यूज़ किया है, मतलब सोल वाइज काफ़ी अच्छा शूज़ है। और जिस प्राइस में रिसीव हुआ है वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट करने वाला नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस की, 504 रुपये में रिसीव हो गया था, आपको कुछ इसी प्राइस रेंज के अराउंड रिसीव हो जाएगा, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल रेंज पे शूज़ है। अब हम अगेन अपने लिस्ट के सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट शूज़ की तरफ चलते हैं। जी हाँ गाइस, बहुत अच्छा शूज़, बहुत प्रीमियम शूज़ होने वाला है, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग देख के आप पता लगा सकते हैं कैसा शूज़ होने वाला है। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छा डिटेल इन्होंने मेंशन किया हुआ है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं नाइकी का जॉर्डन, जी हाँ दोस्तों, नाइकी के जॉर्डन का कॉपी मैंने बाय किया है और आप इसकी पूरी डिटेलिंग, पूरी फिनिश देख सकते हैं। लुक एट दिस ब्यूटी, काफ़ी अच्छा शूज़ है। आप इसके बैक से देखिए, ब्लू और वाइट का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है उसके ऊपर, या रेड का कॉम्बिनेशन, काफ़ी अच्छा इस शूज़ को बना देता है। और यहाँ पे आपको जो कुशनिंग मटेरियल
जो क्वालिटी देखने को मिलती है काफी अच्छी क्वालिटी है। आप इसे एक नजर देख के बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि यह नाइकी का जॉर्डन की कॉपी है या ओरिजिनल, और इसे दूर से देखने वाले कोई अजनबी भी ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि यह कॉपी शूज है। पहनने के बाद काफी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे इन्होंने नाइकी की वही जॉर्डन को कॉपी करने की पूरी कोशिश की है। पीछे भी आप देख सकते हैं वही डिटेलिंग वही फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें इसके साइज की, तो 7 नंबर का इसका साइज है जो पीछे अच्छे से मेंशन है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, काफी अच्छा सिंथेटिक लेदर का इन्होंने यूज किया है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का लेदर इन्होंने यूज किया है जो बहुत आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला है। और इसके जो असेंबलिंग पार्ट है ना वो भी स्टिचिंग काफी अच्छी है इन्होंने अच्छे से इसे असेंबल किया है, तो काफी ड्यूरेबल होने वाला है ये शूज। इसके बाद इसके मैं इनर सोल की बात करूँ तो कुछ इस टाइप का इनर सोल है आप देख सकते हैं, और सॉफ्ट इनर सोल का इन्होंने यूज किया है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज्यादा हार्ड है, मीडियम काइंड ऑफ है। पहनने के बाद काफी कंफर्टेबल शूज है, वैसा ही शूज है जैसा आपको नाइकी का शूज ओरिजिनल मिल जाएगा, मतलब वैसी क्वालिटी इन्होंने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे भी आपको कुशनिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगे साइड पे, जो साइड की ग्रिपिंग अच्छा बना देता है। यहाँ पे अगेन नाइकी के जॉर्डन को लोगो इन्होंने बनाया हुआ है जो नॉर्मल इन्होंने पैंट मटेरियल का यूज किया हुआ है, और यहाँ पे भी आपको वही सेम लोगो देखने को मिल जाता है। ये ओवरऑल इसका लुक था, और इसके लेस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा वाइट लेस इन्होंने बनाया हुआ है। अब इसके बाद में बात करूँ इसके आउटर सोल की, तो आउटर सोल का भी मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत हार्ड मटेरियल नहीं है, तो काफ़ी ड्यूरेबल आउटर सोल आपका होने वाला है, और इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब ये शूज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, कोई भी एक नज़र में इसे पहचानने नहीं वाला है कि आपने कोई नाइकी के फेक शूज को बाय किया है या ओरिजिनल शूज को। तो इसे मैंने कैरी भी किया है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के आउटफिट के साथ आप कैरी कर सकते हैं, तरह तरह के आउटफिट के साथ जा सकते हैं क्योंकि एक हाई टॉप स्नीकर्स है। ये कंप्लीट मीशो शूज का हॉल कैसा लगा, ये जिस प्राइस रेंज पे इन्होंने सारे शूज को अवेलेबल कराया है उनके हिसाब से इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप डेली वेयर के लिए शूज को बाय करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी शूज बाय कर सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, सारे शूज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता सकते हैं, वहां भी जिससे रिलेटेड वीडियो चाहिए मैं बिल्कुल बनाने की कोशिश करूंगा यार, क्योंकि हम मेंस फैशन ग्रूमिंग लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए सारे मिल जाते हैं। अगेन सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, कोई पैसे नहीं लगने वाले। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, कीप हेल्दी स्टे फिट।